हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ब्लॉग मैं हॉस्पिटल से स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे 9 मंथ कंप्लीट हो चुके थे और मुझे अभी तक कोई लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुआ था। डॉक्टर ने हमें एग्जामिन करने के बाद बताया कि अभी तक भी सर्विक्स ओपन नहीं हुआ है और जब तक सर्विक्स ओपन नहीं होगा नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। वैसे एक और चांस है कि हम आर्टिफिशियल लेबर इंड्यूस करवा सकते हैं, लेकिन उसमें चांसेस बहुत कम होते हैं डिलीवरी होने के। नॉर्मल उसमें दोनों चांसेस होते हैं, 50% नॉर्मल भी और 50% सिजेरियन भी। फिर हमें लगा कि अभी हमारे पास 2-3 दिन और है वेट करने के लिए, तो हम लोग नेचुरल पेन आने के लिए वेट कर सकते हैं। फिर मैंने नेक्स्ट डे से अपनी डाइट में पपाया ऐड किया, क्योंकि इससे भी हमें नेचुरली लेबर पेन आने में हेल्प मिल सकती है। आज लंच में मैंने खाया सैलेड, कद्दू की सब्जी और रोटी। मेरे पास ये 4-लेयर स्टोरेज बास्केट है, जिसमें मैंने सोचा मैं बेबी के लिए वो सामान रख देती हूँ जिसकी नीड मुझे दिन भर होगी। ये बास्केट मेरे बेड साइड पर रखी रहेगी तो मुझे कन्वीनियंट रहेगा ये सामान यूज़ करने में। ये ऑर्गेनाइज़र मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया है। ये 4 का सेट आया था जो बहुत यूज़फुल है। छोटी छोटी अगर चीज़ों को आपको ऑर्गेनाइज करना हो तो उसमें ये बहुत काम आता है, और बेबी की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो इसमें बहुत अच्छे से सेट हो गई है। मैंने बेबी की मैक्सिमम चीज़ें इस टाइप के ऑर्गेनाइज़र्स में ही सेट करके रखी है। इसमें मैंने बेबी के फेस नैपकिन्स को रोल करके रखा हुआ है। ये एक रोम्पर है जो मैंने इसमें रोल करके रखा था। इसी में मैंने बेबी के कुछ कपड़े और कुछ मिटन्स बूटीज़ भी इसी में ऑर्गेनाइज़ करके रखे हुए हैं। बेबी की चीज़ें इतनी छोटी छोटी होती है कि अगर हम उन्हें ऐसे ही रख दें तो उन्हें ढूंढने में मुश्किल होती है, लेकिन अगर इस तरह से हम उन्हें सेट करके रखते हैं तो सारी चीज़ें अच्छे से उनकी यूटिलाइज़ हो जाती है और ढूंढने में भी मुश्किल नहीं होती है। ये मदर स्पर्श के वेट वाइप्स है जिसकी नीड मुझे पूरा दिन रहेगी। ये है बेबी हक का मस्किटो रेपेलेंट। वैसे तो मैंने बेबी के लिए बेबी नेट भी ऑर्डर की है तो इसका यूज़ मैं कम से कम करूँगी। ये बेबी के लिए नज़रिया ब्रेसलेट मैंने ऑर्डर किया है, ये भी मैंने अमेज़न से परचेस किया है। इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। यह है मामा अर्थ का मिल्की सॉफ्ट फेस क्रीम। वैसे मैंने सारे प्रोडक्ट्स बेबी के लिए चिकू के लिए हैं, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें मामा अर्थ से भी ऑर्डर की है। मैं बाद में कंपेयर करके आप लोगों को बताऊंगी कि कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे हैं या मेरे बेबी को कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे से सूट हुए हैं। बाकी के बेबी प्रोडक्ट्स जो है चिकू के, वो मैंने हॉस्पिटल बैग में रखे हैं जो बेबी का हॉस्पिटल बैग है। एक बार डिलीवरी हो जाएगी और जब हम वापस घर आ जाएंगे तो मैं उन्हें यहीं पर सेट कर दूँगी। ये मैंने लवलेप से बेबी नेल ग्रूमिंग सेट लिया है। छोटे बेबीज़ के नेल्स बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, इसलिए मैंने इसे भी यहीं पे रख लिया है। ये फिलिप्स की फीडिंग बॉटल, इसके भी रिव्यूज़ अमेज़न पे बहुत अच्छे थे, मैंने इसलिए इसे ही परचेज़ किया है और मैंने इसे पूरा अच्छे से वॉश करके रख लिया है। और यहीं पर मैंने बेबी के सारे डायपर्स भी रख लिए हैं, क्योंकि अब बारिश स्टार्ट हो चुकी है तो ऐसे में बेबी के लिए ये डायपर्स ज़्यादा सूटेबल रहेंगे क्लॉथ डायपर के बजाय। ये प्लास्टिक के नॉन टॉक्सिक टॉयज़ हैं। छोटे बेबी हर चीज़ को अपने मुंह में डालते हैं तो अगर इसे मैंने वॉश करके रख लिया है, और अगर इसे बेबी अपने मुँह में भी रख रहे हैं तो इससे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये न्यूबॉर्न के लिए टोटली सेफ़ है। ये है ड्राई शीट जिसे हम बेबी को जहाँ ले जाना हो मूव कर सकते हैं। एक बड़ी वाली ड्राई शीट है जिसे मैं अपने बेड पर लगाऊंगी। और ये मैंने अपनी स्नैकिंग के लिए कुछ सामान रखा हुआ है। ये मैंने सबसे नीचे वाली बास्केट खाली रखी है, क्योंकि अभी मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है कि मुझे किन चीज़ों की और ज़रूरत पड़ सकती है, तो उस अकॉर्डिंग मैं बाद में इसे सेट कर दूँगी। मैंने इस बास्केट को अपने बेड के साइड में सेट कर दिया है। अब मुझे बहुत कन्वीनियंट रहेगा बेबी के लिए, कुछ भी चीज़ें अगर मुझे चाहिए रहेगी तो मेरे पास ही रखी होगी।
सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। मैंने जो बास्केट तैयार की है बेड साइड पर रखने के लिए, आप लोगों को कैसी लगी ये भी मुझे ज़रूर बताना। और मेरे चैनल पर बहुत जल्दी बेबी का व्लॉग भी आने वाला है, तो चैनल पर बने रहिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।